सर्प रक्षक विजय यादव अजमेर में अलग अलग स्थानों पर निकल रहे सांपों का कर रहे हैं रेस्क्यू। सांपों को सुरक्षित पकड़कर छोड़ा जा रहा है जंगलों में। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सेलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। सर्प रक्षक विजय यादव अजमेर के लोगों को काफ़ी राहत पहुंचा रहे हैं। रोजाना किसी न किसी इलाके में सांप निकलने की घटनाएं हो रही हैं। इसके लिए अजमेर में सिर्फ सर्प रक्षक विजय यादव को याद किया जाता है। बीती रात बिहारीगंज इलाके में एक सांप निकलने की सूचना पर पहुंचे विजय यादव ने रात होने के बावजूद भारी मशक्कत करते हुए नाली में छिपे एक चेक्ड किल बैग सांप को रेस्क्यू किया। इस मौके पर यादव ने बताया कि यह सांप जहरीला नहीं है, लेकिन काटता बहुत जोर से है और इसके जम्स आदमी के शरीर में जाने से वहाँ सेप्टिक हो जाता है। जी बताइए। ये एक चेकर्ड किलबैक सांप था जो कि नाली में घुस गया था जी। क्योंकि ये पानी वाला सांप है, इसलिए नाली में आसानी से पानी के अंदर 10 से 15 मिनट तक रह सकता है। और ये चूहों की तलाश में घरों के आसपास आ जाते हैं, क्योंकि अभी जंगलों के अंदर इनके लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं है। जंगल कटते जा रहे हैं और लोगों ने वहाँ पे घर बनाना शुरू कर दिया है, तो ये यहाँ घरों के आसपास आ जाते हैं और चूहों की तलाश में ये घरों के आसपास घूमते हैं। एक क्या जहरीला होता है ये? जहरीला सांप नहीं है, लेकिन ये काटने में बहुत तेज सांप है। काफी तेज काटता है क्योंकि इसके दांत अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं, तो ये किसी का भी जब काटता है तो काफी गहरा घाव कर देता है। और इसमें बैक्टीरियाज होते हैं, तो वो बैक्टीरिया आपको थोड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, बाकी इसमें मरने के कोई चांस नहीं है क्योंकि ये जहरीला सांप नहीं है। ठीक। इसी तरह आज गड्डी माल्यान में एक कोबरा निकलने की सूचना पर उसे भी सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। साथ ही पटेल नगर में निकले रेट स्नैक को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। ये दो सांपों को हमने अभी रेस्क्यू किया, जिनमें एक कोबरा सांप और एक रेट स्नैक था। एक सूचना हमारे को ओम प्रकाश कुशवा के द्वारा कृष्णा कॉलोनी गड्डी माल्यान से मिली थी कि एक सांप उनके घर में घुस गया है। तो मैंने जाकर के देखा तो एक कोबरा सांप उनके घर में था, जिसे मैंने सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर लिया और सुरक्षित आवास में उसे छोड़ दिया। इसके पश्चात पटेल नगर माकुपुरा से एक सूचना मिली कि हमारे घर में एक सांप घुस गया है, तो मैंने जाकर के देखा कि एक कैलाश गुजर के घर में एक रेड स्नेक था, जिसे मैंने सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर लिया। और ये भी बताया कि ये बिना जहरीला सांप होता है और इससे इतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह सांपों को ना मारें और उन्हें सुरक्षित वातावरण में जीने दें।